हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो कल जो हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन सर्किट का, अपन लास्ट यहाँ पे पॉइंट पहुंच चुके हैं। डिकोडर सर्किट पूरा डिस्कस किया मैंने 2 आवर्स, ठीक। और आज हम लोग एक कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो एंड करेंगे, और लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है एनकोडर, ठीक है। सो आप लोग आज का फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एनकोडर, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर कॉम्बिनेशन सर्किट। फिर हम लोग यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनकोडर, तो एनकोडर में आप लोग एक स्टेटमेंट नोट करेंगे, एनकोडर में एक स्टेटमेंट आप लोग नोट करेंगे, एनकोडर इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। एनकोडर में लिख रहे हैं आप लोग, इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर सर्किट, ठीक है। एक टेबल में यहां पे फॉर्म करने वाला हूं डिकोडर और एनकोडर का, ठीक है। पहले आप देख लो यहां पे दोनों में पूरा कंपैरिजन करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक डिकोडर सर्किट फॉर्म किया, ठीक है। ये डिकोडर है, इसमें मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट लाइन ये ड्रॉ किए हुए हैं, ये नंबर ऑफ इनपुट लाइंस ये हो गया एन, ठीक। ये अपने पास है इनपुट्स, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आउटपुट्स, ये आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आउटपुट्स मैंने लिया हुआ है, ये आउटपुट हो गया एम। तो आप देखे होंगे एक डिकोडर सर्किट में जो आउटपुट लाइंस और इनपुट लाइन के बीच का रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे m is equal to 2 power n, ठीक। ये ओके, अब आपने क्या लिखा हुआ है एनकोडर में कि एनकोडर जो है वो रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करता है डिकोडर का। तो रिवर्स ऑपरेशन मतलब इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आउटपुट लाइन्स है अपने पास, ये आपके पास क्या हो गए, ये आउटपुट लाइंस, ठीक है। ये तो इसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है एम से, ये हो गए आउटपुट लाइंस, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एनकोडर, ठीक। ये एनकोडर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और नंबर ऑफ इनपुट लाइन मैंने यहाँ पे और आउटपुट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हो गया, सॉरी, ये इनपुट एंड दिस इज ए आउटपुट एन। तो यहाँ पे m नंबर ऑफ इनपुट्स है और यहाँ पे n नंबर ऑफ आउटपुट्स है, तो इसका रिलेशन होगा n इज इक्वल टू, ये यहां से देखो क्या होने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, m इज इक्वल टू 2 power n, ठीक है, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, यहाँ पे मैंने m लिया हुआ है, सो ये हो जाएगा, अभी भी रिलेशन वैसे ही होगा, m इज इक्वल टू 2 power n, ये देख लो, m इज इक्वल टू 2 power n, अभी मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके अपन साइज की बात कर लेते हैं, जो डिकोडर सर्किट में हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था 2x4 डिकोडर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x2 डिकोडर, समझ में आ रही बात। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, तो अगर हमने बात किया 4x2 एनकोडर का,
ठीक है, तो ये जो है ये शो कर रहा है अपने को नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को, मतलब सर यहाँ पे m की वैल्यू क्या बनेगी 4, और ये शो कर रहा है अपने को नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस को, आउटपुट लाइंस दैट इज n इज इक्वल टू 2। ठीक, तो आप रिलेशन देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, सर 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये मिल रहा है। ठीक, सेम रिलेशन है अभी भी, लेकिन जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया है, यहाँ पे n नंबर ऑफ इनपुट्स थे और उसी को मैंने यहाँ पे आउटपुट में लाया हुआ है, और इनपुट आउटपुट्स थे m, तो इसको मैंने इनपुट में लाया, जस्ट रिवर्स ऑपरेशन। ओके, साइज की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो साइज 2x4, 4x2 डिकोडर इनकोडर, और ये 3x8 डिकोडर, तो ये हो जाएगा 8x3 एनकोडर। थर्ड नंबर 4x16 डिकोडर, तो ये हो जाएगा 16x4 डिकोडर और ये इनकोडर। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर 5x32, तो यहां में लिखेंगे 32x5। ठीक, तो यहां पे जितने पहले लिखे हुए हैं सब इनपुट को शो कर रहे हैं, ये इनपुट लाइंस, और ये बाकी जो है ये क्या है, आउटपुट लाइंस को शो कर रहे हैं, दिस वन, ये आउटपुट लाइंस। समझ में आ रही बात? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली मैं आपको एक बताऊंगा सिर्फ, वो है 8x3 एनकोडर, और उसके साथ अपने टॉपिक को एंड करेंगे। ओके, तो डिकोडर में एक्चुअल में हो क्या रहा था, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे थे, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी, बाइनरी कोड, और उसी बाइनरी कोड को हम लोग यहाँ पे किसी एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइन के फॉर्म में एक्टिवेट कर रहे थे, मतलब उसको डिकोड कर रहे थे। ठीक, तो जो हम लोगों ने डिकोड किया है उसको वापस एनकोड भी तो करना है। ठीक, समझ में आ रही बात, कि जैसे हम लोग लिखते थे कि सर अगर अपने पास लिखा हुआ है 100, तो ये कौन सा मिन टर्म को शो करता है, M4 को, तो आप देखे होंगे इसके आउटपुट में कौन सा इसके आउटपुट में कौन सा निकल रहा था, सर D4 निकल रहा था, ये अपने पास एक्टिवेट हो रहा था, आपको याद होगा ये अपने पास एक्टिवेट हो रहा था इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक, अब क्या होगा कि इसी आउटपुट को अपने को यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है और इनकोड करना है उसको, जो भी इनकोड, जब यहाँ पे इनकोड होगा तो आपको वापस से क्या मिलेगा, D4 के करस्पॉन्डिंग सर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, बाइनरी कोड दैट इज 100, और यही अपने पास मेन टर्म M4 को शो करता है। तो जो आपने यहाँ पे डिकोड किया था, आउटपुट निकाला, उसी आउटपुट का हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एनकोडर के थ्रू, और ये बाइनरी कॉम्बिनेशन जो है, बाइनरी कोड आपको इसके आउटपुट में प्रोवाइड होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसका आप लोग नोट कर लो। ठीक, तो समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से एनकोडर यहाँ पे काम करने वाला है, डिकोडर का जस्ट रिवर्स ऑपरेशन। ठीक, नोट कर लिए क्या, बताओ?
तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही एनकोडर की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन फ्रेम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के, सिलेबस में है इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए तो हाँ आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ 8x3 एनकोडर का, सिर्फ एक ही की बात करेंगे, बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। तो इसका अगर मैं डिस्कशन करूं 8x3 डिकोडर का, तो अपने पास सर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस ये कितने होंगे? सर इनपुट लाइंस को मैंने एम से शो किया हुआ है, ध्यान रखना 8। उसके बाद सर ये किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस को, ठीक। और कितना है ये अपने पास? n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब सर 2 पावर 3 दैट इज गोइंग टू 8, और यही तो रिलेशन होता है। रिलेशन देखो क्या लिखा है मैंने, m इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक। बात समझ में आ गई। अब इसका अगर अपन लेआउट तैयार करते हैं तो लेआउट कैसा दिखेगा देखो। सो 8 इनपुट लाइंस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरे पास 8 इनपुट लाइंस, ठीक है। और यहां पे आप लोग नोट कर लो 3 आउटपुट लाइंस, ये इस तरीके से, ठीक। बात समझ में आ रही है? 8x3 एनकोडर, और इसको मैं रिवर्स अगर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3x8 डिकोडर बस। तो ये इनपुट हो गया D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ठीक। ये उसके बाद आउटपुट अपन ले लेते हैं, लेट सपोज यहां पे है O2, O1 और O0, ये तो ये अपने पास क्या बन रहा है? O2, O1, O0, तो ये हो गया MSB, ये और ये अपने पास LSB, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सर यहाँ पे MSB और LSB की आप क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि अपने को जो यहाँ पे मिलने वाला है वो किस फॉर्म में मिलेगा? सर ये अपने को बाइनरी कोड के फॉर्म में मिलेगा आउटपुट, ठीक है, बाइनरी कोड के फॉर्म में, ओके। इसका अगर ट्रूथ टेबल हम लोग डिजाइन करते हैं, देखो ट्रूथ टेबल यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा इनपुट्स को, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आएगा आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो इनपुट्स अपने पास कौन कौन है? सर D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ठीक। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट कौन कौन है? सर O2, O1 और O0, ठीक। क्या करना है आपको? सबसे पहले देखो अगर मेरे पास ये 1 है तो बाकी अगर 0 हो गए, ये जस्ट अपोजिट ट्रूथ टेबल ऑफ डिकोडर सर्किट, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सर 0 0 0 बाइनरी कोड्स, ओके। यहां पे अगर 0 1 0 0 0 0 0 0 तो आपको मिलेगा 0 0 1, बस कंप्लीट कर लो टेबल को आप। सो बाइनरी कोड्स अपने पास आउटपुट मिल चुके हैं। अभी अगर मैं यहां से इस आउटपुट एक्सप्रेशन को लिखता हूं, आउटपुट का एक्सप्रेशन मुझे क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना आप लोग।
अगर मुझे लिखना है चलो O2 को, ठीक है, O2 का एक्सप्रेशन देखो, O2 कहां कहां पे वन हो रहा है, यहां पे वन 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 किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये वन किसके करस्पॉन्डिंग है सर, ये D4 के, फिर ये वन है D5 के, ये D6 के और ये D7 के, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं D4, D5, D6 और D7। वैसे ही अगर मुझे लिखना है O1 का एक्सप्रेशन, तो ये वन किसके करस्पॉन्डिंग है सर, D2 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये हो गया D2, फिर ये सर नेक्स्ट अपने पास D3 के करस्पॉन्डिंग प्लस लास्ट में वन और वन, तो ये वन है D6 के करस्पॉन्डिंग, तो D6 और लास्ट वन जो है वो D7 के करस्पॉन्डिंग है। वैसे अगर लिखना है मुझे O0, तो अपने पास O0 क्या होगा, ये वन कौन सा है सर, ये D1 के करस्पॉन्डिंग हो गया, इसका मतलब ये हो गया D1 प्लस, फिर ये वन जो है नेक्स्ट सर ये D3 करस्पॉन्डिंग प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट सर ये वन अपने पास D5 के करस्पॉन्डिंग और लास्ट वन जो है वो D7 के करस्पॉन्डिंग है, बस ये हो गया अपने पास आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये पार्ट नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसका अगर एक लॉजिक डायग्राम अगर अपन फ्रेम करते हैं, देखो लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, तो यहाँ पे कितने इनपुट लाइन है सर, एट इनपुट लाइन है, चलो सबको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और ये एट। तो आपने लिखा डी वन डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव D6 और ये D7, ठीक, आपको निकालना है इसमें तीन आउटपुट O2, O1, O0। कैसे निकालेंगे आप लोग, बस आप कनेक्ट करते जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे D4 को ले रहा हूं, देखो ये D4 आ गया, फिर नेक्स्ट D5, फिर नेक्स्ट D7, फिर नेक्स्ट अपने पास ये देख लो D7, D6, ये। उसके बाद आप देखोगे O1 को, सर O1 क्या लिखा हुआ है, D2, D3, तो ये अपने पास है D2, ठीक, ये D2, फिर उसके बाद D3, D3, फिर सर D6, ठीक है, और उसके बाद ये D7, चारों आउटपुट निकल गए, चारों इनपुट लाइन के लिए यहां पे, और O2, O2, O1 हो गया, O0 की बात कर रहे हैं, तो सर O0 में कौन कौन है अपने पास, ये देख लो, ये निकलेगा अपने पास, फिर D3, सर D3 ये लिखा हुआ है, ये D3, फिर उसके बाद D5, फिर सर D7, ये ठीक। अब आप देखोगे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है O2, O1, O0 का, सभी के पास कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, तो और गेट यहां पे यूज कर लो आप, ठीक है ना, और गेट आपको यूज करना है, आपको मिल जाएगा फिर वो लॉजिक डायग्राम, ठीक, इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो मैं यहां पे लेके आने वाला हूं और गेट, ये और गेट मैंने लाया और यहां पे मिल गया आपको O2, ठीक,
यहाँ पे आ गया अपने पास OR गेट फॉर इनपुट्स का, और यहाँ पे भी अपने पास OR गेट ये फोर इनपुट्स के, ठीक। यहाँ पे आपको मिल रहा है O1 और ये हो गया O0, ठीक। इसका एक्सप्रेशन मैं फिर से ले देता हूं, D4, D5, D6 और D7। यहां लिख देता हूं मैं यहां पे D2, D3, D6 और D7, ठीक। नेक्स्ट अपने पास है D1, D3, D5 और D7, ये पूरा आप लोग ड्रॉ कर लो इसको। एक बार कमेंट कर देना आप लोग नोट करने के बाद। ठीक, नोट कर ली सारे, कमेंट करो, हो गया नोट। ठीक, तो ये था अपने पास फोर्थ नंबर चैप्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट। जब आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे, और आप लोगों ने ओपन किया, आपने देखा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं अपने पास गेट में, किसी ने ओपन किया यहाँ पे बताओ, रिप्लाई करो। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा गेट के प्रीवियस ईयर का, रिप्लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया, जो भी क्वेश्चन उसमें था, नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, बुलियन अलजेब्रा, फिर अपने पास ये चैप्टर हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक ठीक, तो आप लोग के यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना, चार चैप्टर अपने पास हो चुके हैं। जिस तरीके से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उससे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे गेट के, है ना। चाहे आप बात कर लो यहाँ पे आईएएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो, आप उसके भी आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप प्रिपेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक, तो आप लोग पहले तो ये कमेंट करो, ये चार चैप्टर आपको पूरा क्लियर है, कोई भी कहीं पे भी डाउट, इसके बाद मैं यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करूंगा।
पहले आप लोग मुझे बताएंगे सारी चीज क्लियर है आप लोग को, पूरे चार चैप्टर्स बताओ। ठीक है, सो कमेंट आ रहे हैं आप लोग के, बिल्कुल क्लियर है अपने को, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक, ये हुई ना बात। तो चार चैप्टर का आपको क्या करना है, आप क्या करोगे जिस दिन भी आप फ्री हो रहे हो, आपका कॉलेज नहीं है, जैसे आज संडे था है ना, या आपका और भी कुछ क्लासेस वगैरह चल रही है, एनालॉग चल रहा है, एनालॉग के भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहो, साथ में आप सॉल्व करो, डे बाय डे आपका पूरा इंप्रूव हो जाएगा है ना। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप पूरा एक दिन निकालो पूरा आराम से, आप जितना भी अभी तक चार चैप्टर हो गए अपने पास, पूरा क्वेश्चन लगा लो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, आपको कितना देर लगेगा पता है, सिर्फ आपको 5 to 6 hours कंटिन्यूअसली सिटिंग देनी है अपने टेबल पे बैठ के अपने घर पे, और आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लेकिन आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। अब इसके बाद जो स्टार्ट हम करने वाले हैं वो है सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक, तो सिक्वेंशियल सर्किट अपने को पढ़ना क्यों है, कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने पढ़ा क्यों है, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर यहां पे लेआउट तैयार करूंगा। ठीक, तो होता क्या है कि जब भी हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा हुआ था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, जो हम लोग आउट या जो हम लोग यहाँ पे इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन है अपने पास, और उसी के करस्पॉन्डिंगली जो भी इनपुट के कॉम्बिनेशन थे उसी के करस्पॉन्डिंगली अपने को आउटपुट मिल रहा था। जैसा हम लोग इनपुट दे रहे हैं एट द सेम टाइम आपको आउटपुट तैयार होता हुआ दिख रहा है, बराबर है ना। ठीक, अब सिक्वेंशियल सर्किट में होता क्या है कि ठीक है सेम सिनारियो यहां पे भी होता है, सिक्वेंशियल सर्किट में भी सेम सिनारियो भी ऐसे होता है कि जो भी अपन इनपुट्स तैयार कर रहे होते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है इनपुट लाइंस का, उसी के करस्पॉन्डिंग अपने का आउटपुट मिलता है। लेकिन जब वहां पे हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या हुआ था कि जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो जो भी प्रेजेंट आपने इनपुट अप्लाई किया उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिला। लेकिन जब मैं सिक्वेंशियल में जाता हूं तो वहां पे जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन आप तैयार करते हो प्रेजेंटली उससे आउटपुट निकलता है, लेकिन आउटपुट एक और फैक्टर पे भी डिपेंडेंट करता है, और वो है कि सर इसका पहले का आउटपुट क्या था। एज आई कैन से कि प्रीवियस आउटपुट या पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंडेंट होता है। समझ में आ रही है बात, जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई किया उसे करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिला, लेकिन जो आउटपुट होगा तो वो ठीक है कि वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट है, लेकिन एज वेल एज वो पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अपने ये प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है कि आउटपुट का स्टेट जो था वो क्या था पहले, पास्ट आउटपुट। इसका मतलब है कि जब आप किसी पास्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट है, पास्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट है, तो वो स्टेट, अब स्टेट क्या होता है, आइदर जीरो और वन के फॉर्म में होता है, तो वो सेव कहां पे रहेगा, उसको अपने को सेव कहां पे रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेमोरी। ठीक है, जैसे अपने को अपने मोबाइल में एक फोटो स्टोर कर रखना होता है तो अपने को मेमोरी चाहिए होती है अपने मोबाइल फोन पे, तो वैसे ही पास आउटपुट को स्टोर करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, कुछ डिवाइसेस चाहिए होंगी, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एलिमेंट। अब ये सर मेमोरी एलिमेंट बनता कैसा है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस का। तो नाम से आपको पता चल रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वी विल गेट द आउटपुट फॉर द प्रेजेंट इनपुट। सिक्वेंशियल सर्किट मतलब कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वी विल गेट द आउटपुट, बट द आउटपुट एट द सेम टाइम डिपेंड्स ऑन द पास्ट आउटपुट एज वेल। पास्ट आउटपुट मतलब कि पास्ट आउटपुट, फिर नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा वो क्या बनेगा, प्रेजेंट आउटपुट। तो इस तरीके से स्टेट्स, आउटपुट के जो स्टेट्स होंगे वो सिक्वेंस में चलते जाएंगे, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है सिक्वेंशियल सर्किट। समझ में आ रही बात। तो यहां पे मैं एक छोटा सा लेआउट तैयार करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग।
और चैप्टर यहाँ पे ऊपर में आप देख लो, फिफ्थ नंबर चैप्टर है सिक्वेंशियल सर्किट। इसमें अपने को बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एक लेआउट में तैयार कर रहा हूं, तो ये हो गया अपने पास कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट 1 2 3 ये अपने पास हो गया नंबर ऑफ इनपुट्स, और ये 1 2 3 4 और ये नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक, बात समझ में आ रही है। अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक सिक्वेंशियल सर्किट, अब वो कैसा दिखेगा देखो यहाँ पे। सिक्वेंशियल सर्किट, इनपुट्स मैंने देखा अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। ये इनपुट्स अपने पास डिफरेंट इनपुट्स, और ये अपने पास डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक। अब ये जो आउटपुट है उसका हर एक स्टेट जो है वो सेव होगा। अब ये कहाँ पे सेव होगा, इसको सेव करने के लिए अपने को मेमोरी एलिमेंट चाहिए होंगे, तो ये मेमोरी एलिमेंट मैं आप पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या है अपने पास ये सर, मेमोरी एलिमेंट, ठीक। और ये मेमोरी एलिमेंट वापस से इनपुट में फीड होगा, जिस भी तरीके से फीड होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास होगा इनपुट में फीड, ओके। तो ये हो गया अपने पास इनपुट और ये मेमोरी एलिमेंट, और दिस वन इज आउटपुट। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि मेमोरी एलिमेंट में यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूं सर, यहाँ पे मैं फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकता हूं, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे लैचेस, ये ओके। बात समझ में आ रही है, लैचेस। तो आप देखोगे जो इनपुट है वो आउटपुट, जो आउटपुट है अपने पास वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंडेंट है, और मेमोरी एलिमेंट में इसका पास आउटपुट सेव है, जो कि इनपुट पे फीड होगा तो आउटपुट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। समझ में आई? आप देखोगे जो सिक्वेंसर सर्किट है वो एक लूप में बना हुआ है। ये कौन सा लूप है सर, ये फीडबैक लूप हो गया। अब फीडबैक की जब बात होती है तो हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का आप एग्जांपल दोगे तो आप बोलोगे सर हाँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हो गया, और अगर अपन सिक्वेंसिंग सर्किट को बोलते हैं तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक। एक लूप बना हुआ है यहाँ पे, ओके। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ मेमोरी एलिमेंट। तो इसका आप एक डेफिनेशन अगर नोट करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज द सर्किट इन विच the output is dependent on the output. Combinational circuit is the circuit in which the output at any time is dependent on the present input at that time. Depend on the present input at that time. ठीक है, लिख लिया आपने। Next, sequential circuit is a circuit in which the output at any time is dependent on the present input as well as the past output, dependent on the present input and the past output as well as the past output. Past output, ठीक है, past output, okay, okay. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
एज द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट. नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे एज द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंडेंट ऑन द पास्ट आउटपुट कॉमा इट रिक्वायर्स मेमोरी एलिमेंट फुल स्टॉप फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस कैन बी यूज्ड एज अ मेमोरी एलिमेंट. नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग फुल स्टॉप. फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस कैन बी यूज्ड फॉर मेमोरी एलिमेंट ठीक समझ में आ गई बात. नेक्स्ट पर नोट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट इज अ एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. कॉम्बिनेशन सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड सिक्वेंशियल सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. इसको भी आप लिख लो फोर्थ नंबर पॉइंट. ठीक ये दोनों फिगर आप लोग नोट कर लेंगे. दोनों फिगर जो मैंने बनाया था उसको नोट कर लो आप लोग. ठीक है तो मैं आपको एक चीज बोल दूं कि अभी तक हम लोग जो चार चैप्टर पढ़े हुए हैं वो चार चैप्टर ऐसे हैं कि हाँ आप किसी का भी नोट्स देके पढ़ सकते हो. आप किसी भी का कोई भी किसी इंस्टीट्यूट का आपने बुकलेट देखा आप सीख गए अपने आप से घर पे बैठ के आपने टाइम दिया हो जाएगा. कोई बड़ी चीज नहीं है. आपने देखा होगा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हम लोग नहीं पढ़ा अभी तक. लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है सिक्वेंशियल सर्किट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है ये समझ में नहीं आएगा एक बार में. तो जो लोग भी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं मैं आपको यही बोलूंगा जो लोग नहीं देख रहे हैं वो उनको छोड़ो. ठीक है ये उनकी चॉइस है. लेकिन जो लोग भी लाइव देख रहे हैं जब तक सिक्वेंशियल सर्किट एंड नहीं हो जाता कोई भी क्लास मिस मत करना. क्योंकि मेरी हर एक क्लास हर दूसरे क्लास से यहाँ पे और तीसरे चौथे पांचवे जब तक ये एंड नहीं हो जाता सबसे कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे है ना. तो इसका ध्यान रखना आप लोग कोई भी क्लास मिस ना हो. सिक्वेंशियल सर्किट एटलीस्ट आप पढ़ो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं इसको आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप एकदम मास्टर हो जाओगे और इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली. इसको आप इतना आसान नहीं हो कि आप खुद से समझ लो चीजों को. ठीक डेफिनेटली इसमें आपको समझने के लिए कुछ ना कुछ आपको टीचर चाहिए ऐसा गाइडेंस चाहिए. प्रॉपर नोट्स आपके पास है फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है कन्फर्म है. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करने वाले मैं आपको बता दूं मेमोरी एलिमेंट के बारे में. मेमोरी एलिमेंट हो गया अपने पास फ्लिप फ्लॉप और लैचेस. अब ये सर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है लैचेस क्या होता है आपको डिटेल में भी जाके पता चलेगा. कैसे ये किसी डेटा को स्टोर करता है. डेटा मतलब सर स्टेट्स. स्टेट कौन सा आउटपुट स्टेट पास्ट आउटपुट. अब स्टेट हो गया मतलब कि डेटा हो गया मतलब सर जीरो होगा या तो वन होगा. कैसे ये लैचेस या फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए. कैसे ये स्टेट आपको प्रोवाइड करता है ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे. और आपको थोड़ी देर बाद ये भी पता चलेगा कि सर फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस पे डिफरेंस होता क्या है. समझ में आ रही बात. ये दोनों का भी आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा. तो जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है अपने पास लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का भी जो स्टार्ट होने वाला है. उसके बाद इसी अब लैचेस की बात तो कर लेंगे तो फ्लिप फ्लॉप अपने को फाइनली यूज करना है. तो जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को देखेंगे चार टाइप के फ्लिप फ्लॉप अपने को पढ़ने हैं है ना. पहला अपने पास है SR फ्लिप फ्लॉप दूसरा है T फ्लिप फ्लॉप तीसरा है JK फ्लिप फ्लॉप और चौथा है T फ्लिप फ्लॉप. ये चारों फ्लिप फ्लॉप का स्टडी करने के बाद
ठीक, इसको पूरे स्टडी करने में अपने को पूरे एक क्लास लगने वाले हैं। ओके, तो जब इसका पूरा स्टडी अपन कर लेंगे उसके बाद अपन आएंगे काउंटर डिजाइन में। अब दो टाइप के काउंटर होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर, दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होगा, किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप को यूज करके एक काउंटर डिजाइन करते हैं, चाहे वो एसिंक्रोनस काउंटर हो या सिंक्रोनस काउंटर हो। ओके, और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर शिफ्ट रजिस्टर्स के साथ। समझ में आ गई बात पूरी? ठीक है, चलो आप लोग नेक्स्ट सब कॉपी में हेडिंग डालेंगे लैचेस। बड़े ध्यान से पढ़ना आप लोग इसको, हर एक चीज आगे तक यूज होगा। देखो ऐसा लैच की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा। ये तो लैच यहाँ पे तैयार हो रहा है नॉर गेट से, तो ये मैंने नॉर गेट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, नॉर गेट के बारे में तो सबको पता ही है, यहाँ पे मास्टर हो गया अपन तो। और ये जो है इसके आउटपुट जो है आपस में दोनों नैंड गेट के वो ट्विस्टेड फॉर्म में कनेक्टेड है। किस फॉर्म में है सर? ये ट्विस्टेड फॉर्म में, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये हो गया अपने पास इनपुट ए और ये दूसरा इनपुट पी, ये हो गया क्यू एन और ये क्यू एन बार, इसको हम बोलेंगे फाइनल आउटपुट को क्यू एन प्लस वन और ये क्यू एन प्लस वन बार। तो जैसा आपके सामने लिखा हुआ है क्यू एन और क्यू एन बार, ठीक, तो ये हो गया अपने पास प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट या आप इसको बोल सकते हो प्रेजेंट आउटपुट, और ये आपके सामने लिखा हुआ है क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन बार, तो ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेट, दैट इज आउटपुट, ये या नेक्स्ट आउटपुट। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है ट्विस्टेड फॉर्म में, मतलब कि हर एक नॉर गेट का एक इनपुट जो है दूसरे नॉर गेट के आउटपुट से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? तो दो इनपुट आपने अप्लाई किया हुआ है तो हम लोग एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे ट्रूथ टेबल, कैसे ये वर्क करता है आप लोग समझना अभी। तो मैंने लिखा इनपुट सर कौन कौन है, ए और ये बी, ठीक, उसके बाद इसके आउटपुट्स, और तीसरा यहाँ पे कॉलम बनेगा इसका स्टेट। आउटपुट कौन कौन है अपने पास सर? क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन बार। अब आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे दो दो आउटपुट निकल के आ रहे हैं, एक्चुअल में वो एक ही आउटपुट है लेकिन एक क्या है नॉर्मल फॉर्म पे और दूसरा क्या है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे, बस और कोई फर्क नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक नॉर्मल फॉर्म पे और एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे, तो दो इनपुट है तो दो इनपुट के लिए अपने पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे सर? जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक। ये स्टेट मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है स्टेट में। ओके, अच्छा यहाँ पे जब मैं नॉर गेट यहाँ यूज कर रहा हूं तो नॉर गेट को यूज करते टाइम आपको नॉर गेट का पूरा फंक्शन पता होना चाहिए। तो नॉर गेट का अगर अपन ट्रूथ टेबल की बात करते हैं कि नॉर गेट का सर ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ ए बी और यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस बी होल बार। सर ये कौन है? ये अपने पास नॉर गेट है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। सर नॉर का ऑपरेशन क्या होता है? ये होता है वन और बाकी जगह पे जीरो। सो ध्यान रखना मैंने आपको नॉर गेट का बताया था, क्या बताया था कि जब भी अपने पास एक किसी दोनों इनपुट में से है ना कोई भी एटलीस्ट अगर एक इनपुट अगर वन हो गया तो उसका आउटपुट जीरो होने वाला है, ऐसे ही होता है ना, देखो दिखला हुआ है। अब यहां पे आते हैं सर ये दोनों जीरो है, चलो ऑपरेशन यहां पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से करना आप लोग। मैंने दोनों इनपुट में जीरो अप्लाई किया, अभी कोई भी लिखेगा नहीं अब है ना, देखो यहाँ पे जीरो जीरो मैंने अप्लाई किया, अब ये जीरो यहाँ पे आया, ठीक। अब सर ये आपको पता है क्या ये इनपुट कौन सा है? सर नहीं पता है, ठीक है, ये पता है कि हाँ ये ट्विस्टेड फॉर्म पे कनेक्टेड है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे कौन है सर क्यू एन बार, इसका स्टेट आपको पता है भी? सर नहीं पता है ना, तो यहाँ का इनपुट अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात?
कि आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि सर ये जीरो होगा कि वन होगा। लॉजिकली आप देखो यहाँ पे ये वन होगा कि जीरो होगा आप नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो कि सर इसका जो इनपुट है वो इसके इसके आउटपुट से कनेक्टेड है, ट्विस्टेड फॉर्म है। ओके, तो मैंने ये जीरो अप्लाई किया तो ध्यान से देखना आप लोग, सर जब भी आपके पास कोई भी एक इनपुट नॉर गेट का, कोई भी एक इनपुट नॉर गेट का जीरो होता है, कोई भी एक इनपुट नॉर गेट का जीरो होता है, तो सर उसका आउटपुट वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे शुरू के तीन कॉम्बिनेशन को आप देखो, किसी भी एक इनपुट में अगर जीरो है तो नॉर गेट का आउटपुट सर वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप डाउटफुल केस में आ गए। अब क्या करें सर, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो एक्चुअली कनेक्टेड है, दैट इज क्यू एन बार। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये हो गया जीरो प्लस क्यू एन बार होल बार, ये नॉर ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया तो आपको मिला सर क्यू एन बार होल बार, दैट मीन क्यू एन। इसका मतलब सर आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया, क्यू एन। यहाँ पे मैंने लिखा क्यू एन, समझ में आ गई बात? अब बारी आती सर फिर से दूसरे वाले नॉर गेट में एक इनपुट जो है वो जीरो पे लगा हुआ है और दूसरा इनपुट क्या है पता नहीं है। तो अगर कोई भी एक इनपुट जीरो पे होता है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप क्या करते हो, आप इसके आउटपुट जो कनेक्टेड ट्विस्टेड फॉर्म में उसको यूज करते हो। तो देखो मैंने यूज किया जीरो प्लस क्यू एन होल बार, कितना हो गया ये भाई क्यू एन बार। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा सर ये हो गया क्यू एन बार, ये हो गया क्यू एन बार। समझ में आ रही बात? अब आप खुद देखो यहां पे कि सर ये क्यू एन और क्यू एन बार जो कनेक्टेड था यहां पे, ये कौन सा आउटपुट है सर, प्रेजेंट स्टेट है ये, और ये कौन है सर नेक्स्ट स्टेट। ओके, तो प्रेजेंट स्टेट को आपने यहां पे यूज किया दोनों जगह पे ट्विस्टेड फॉर्म पे और आपने इसका नेक्स्ट स्टेट बताया। ठीक, पहले था क्यू एन द प्रेजेंट, नेक्स्ट क्या हो रहा है सर क्यू एन हो रहा है, क्यू एन बार पहले था फिर नेक्स्ट भी क्यू एन बार हो रहा है। इसका मतलब कि जो स्टेट पहले था वो अभी भी वही स्टेट पे है, और ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होल्ड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, होल्ड स्टेट। बात समझ में आई क्या? ठीक, तैयार, समझ गए आप लोग, बताओ यस और नो, समझ गए, जल्दी बताओ, रिप्लाई फास्ट। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। यहां पे सब समझ लिए, देखो जीरो वन को देखते हैं। अब जीरो वन को आप देख रहे हो, मैंने यहां पे अप्लाई किया जीरो वन, अभी भी कोई लिखेगा नहीं ना, पूरा एनालिसिस मेरे साथ करना आप लोग, है ना। कई लोग क्या करते हैं फटाफट इसको लिखवा देते हैं, फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। ध्यान से देखना, जीरो ये मेरे पास जीरो हो गया। ठीक सर, अगेन अ डाउटफुल केस हो गया क्योंकि ये जीरो है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वन भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है। अब एक काम करो ना आप, दूसरा देखो सर, इस गेट का नॉर गेट का एक इनपुट वन है और मैंने आपको बताया अगर कोई भी एक इनपुट अगर वन हो गया तो उसका आउटपुट डेफिनेटली जीरो होगा, नॉर गेट का ये प्रॉपर्टी है सर। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, जीरो हो गया ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जीरो। सर ये जीरो जो है वो घूम फिर के यहाँ पे आएगा। अब ये जीरो हो गया, जीरो और जीरो कितना बनता है सर, देखो सर ये वन बनता है। इसका मतलब सर अपने पास ये हो गया वन। ठीक, अब आप देखोगे ये जो स्टेट अपने पास लिखा हुआ है आउटपुट स्टेट, ये वन पे है नॉर्मल फॉर्म आउटपुट और ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल आउटपुट है वो वन बन गया है। वन का मतलब होता है सेट स्टेट, क्या होता है सेट स्टेट, और ये जीरो है। ठीक, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, इसको लिया मैंने वन और ये अपने पास जीरो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अगर ये वन है ना, अगर ये वन है तो यहां पे आउटपुट क्या होगा, जीरो। अब ये जीरो जो आएगा यहां पे आएगा, जीरो और जीरो का यहां पे क्या आने वाला है सर, वन आएगा, डेफिनेटली वन आएगा। इसका मतलब सर ये जीरो और ये वन, दैट मींस नॉर्मल आउटपुट जो है वो यहाँ पे क्या हो गया सर, रीसेट हो गया, मतलब जीरो। और इसी स्टेट को हम लोग बोलेंगे सर, ये है रीसेट स्टेट। समझ में आ गई बात? ठीक, अब मैं आता हूं यहाँ पे कि मैं दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो ए और बी दोनों को मैं वन वन करने वाला हूं। इसके करने से क्या होगा, अगर ये दोनों वन है
तो डेफिनेटली कोई भी एक इनपुट के वन होने से आपको आउटपुट क्या मिलेगा? सर ये वन मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है चलो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया वन और ये वन, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये नॉर्मल आउटपुट है और ये उसी का कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है, तो एट द सेम टाइम दोनों की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्म है, ये तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, लेकिन आपको पास आपके पास यहाँ पे दोनों क्या है, सेम दिख रहे हैं, तो इस टाइप के स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे सर? इनवैलिड स्टेट। क्या बोलेंगे? इनवैलिड स्टेट। तो ये होता है अपने पास आर एस लेच। आप देखे होंगे किस तरीके से इसने 00 कॉम्बिनेशन के लिए डेटा को होल्ड करके रखा। सर होल्ड करने का मतलब होता है कि जो भी प्रीवियस आउटपुट था वो अपने को मिलेगा नेक्स्ट आउटपुट में। समझ में आ गई क्या बात? क्या मिलेगा? नेक्स्ट आउटपुट में होल्ड स्टेट। ये क्या किया, इस कॉम्बिनेशन के लिए इसको इस आउटपुट को सेट कर दिया, ये रीसेट, और ये तो अपने को यूज करना ही नहीं है, इनवैलिड स्टेट हो गया, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लो पहले। कोई भी डाउट होगा आप लोग वहीं पे पूछ लेना। अभय अग्रवाल सर इसमें आरएस क्या है? अरे रुको अभी बताता हूं, जल्दी क्या है पहले नोट कर लो। आरएस एसआर ये सब होता क्या है सब बताऊंगा अभी, ठीक है। नोट करने के बाद आप लोग बस कमेंट कर देना, ठीक है। हो गया? कितना टाइम लोगे यार? हो गया, चलो ठीक। अब देखो सर कि इसका नाम जो है वो आर एस क्यों लिखा हुआ है, जो अभी यहां पे डाउट आया किसी का, है ना, मैं अभी बताया ही नहीं था। तो देखो अब बता रहा हूं, ये आर एस नॉर लेस लिखा हुआ है, नॉर गेट क्यों है, सॉरी नॉर क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर गेट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, नैंड गेट भी यूज करेंगे अभी। तो आप इसमें ध्यान से देखो, जब अपने पास दो इनपुट्स थे, इनपुट ए और इनपुट बी, ठीक है, तो यहां पे आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रीसेट,
और एस का मतलब होता है सेट, तो ये क्या बन गया, सेट रीसेट नॉर लैच, सेट रीसेट नॉर लैच, ठीक आरएस। तो यहां पे सेट स्टेट आपको कब मिल रहे हैं सर, सेट स्टेट आपको मिल रहे हैं जब ये वन है, और किस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मिल रहा है सर, 01 के लिए, ठीक। तो बी एट द सेम टाइम क्या लगा हुआ है सर, बी वन पे है, तब ये जाके सेट स्टेट में आने वाला है, ठीक, यही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ये बी है अपने पास किसको शो कर रहा है सर, ये सेट इनपुट को शो कर रहा है, समझ में आई बात। और वैसे ही आप देखोगे ये रीसेट स्टेट कब आ रहा है, जब इनपुट ए वन पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास रीसेट इनपुट। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कैसे सर, एक्चुअल में ए हो जाएगा आर और बी हो जाएगा एस, बस। तो आप लगा दो यहां पे, अब आप क्या लिखोगे सर, यहां पे आप लिखोगे आर और यहां पे आप लिखोगे एस, समझ में आएगी पूरी बात, ठीक है, ओके। तो आर और एस का मतलब वहां पे क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब तो हम लोगों ने आर एस लैच पढ़ लिया, अब बारी आती है सर फ्लिप फ्लॉप पढ़ने का, कि अपन लोग आर एस फ्लिप फ्लॉप कैसे यहां पे बनाने वाले हैं, ठीक। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच में डिफरेंस क्या होता है कि लैचेस जो होते हैं, जो भी आप इनपुट कॉम्बिनेशन तैयार करते हो उसके करस्पॉन्डिंगली डिफरेंट स्टेट्स आपको यहाँ पे तैयार होते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं लैच और फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूं तो डिफरेंस सबसे बड़ा यही होता है कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो क्लॉक पल्सेस के साथ वर्क करता है, समझ में आ रही बात सर। क्लॉक पल्सेस मतलब ये क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये अपने पास क्या हो गए सर, क्लॉक पल्सेस, ठीक। क्लॉक पल्सेस में भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, यहां से देखना आपको क्या बताने वाला हूं। क्लॉक पल्सेस में ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास क्या है सर, ये पॉजिटिव लेवल, ये पॉजिटिव लेवल हो गया, ये क्या है सर, ये अपने पास नेगेटिव लेवल हो गया, ठीक। उसके बाद यहां पे एक और चीज बना हुआ है सर, ये क्या है, देखो इसको ब्लैक से बना रहा हूं, ये क्या है सर, ये पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स सर, ये क्या है, ये देखो बता रहा हूं मैं, ये है नेगेटिव एज, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लो अलग से वहीं पे, ओके। इसका जो यूज है मैं अभी से बता दिया, लेकिन इसका भी कोई यूज नहीं होगा, बस क्लॉक पल्स आपके नाम की बात होगी। क्लॉक पल्सेस का जो एक्चुअल यूज होगा, जिसका हम लोग टाइमिंग डायग्राम बहुत देखने वाले हैं, वो है एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक। वहां पे बहुत यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा एक्चुअली, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे इस लैच को हटा के मैं लिखने वाला हूं आर एस फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, ये देखो मस्त, ठीक है। क्या लिखा आपने, आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। तो अभी मैंने आपको बताया कि लैच जो होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है डिफरेंट आपको स्टेट्स मिल जाएंगे आउटपुट्स के, है ना। लेकिन फ्लिप फ्लॉप के लिए अपने को यहाँ पे क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा मेमोरी एलिमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो फ्लिप फ्लॉप, है ना, जो फ्लिप फ्लॉप है ऐसा डिवाइस है जो मेमोरी एलिमेंट है जो क्लॉक पल्सेस के साथ काम करता है। मतलब जब आप उसमें क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाओगे आपको आउटपुट्स उसके स्टेट आपको मिलते जाएंगे, ठीक। तो देखो क्लॉक पल्सेस यहाँ पे कैसे मैं अप्लाई करने वाला हूं, ध्यान से आप लोग देखना। ये हो गया ए और ये बी, ये फिगर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, छोटा हो रहा है, ये आउटपुट करेक्टेड है, ट्विस्टेड फॉर्म में अभी भी वैसे ही। यहाँ पे क्यू एन प्लस वन बार, ये हो गया क्यू एन बार, यहाँ पे क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, ठीक।
ये अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लॉक पल्स, CLK, CLK मतलब क्लॉक पल्सेस, ठीक है। और ये इनपुट हो गया A और ये B। सर ये A और B को तो आपने नाम दिया ना, A होता है R, B होता है S, ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अभी मैं देखना इसमें चेंज कर दूंगा, लेकिन इसलिए मैंने अभी भी A और B ही नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ओके, तो आप देखोगे आपको एक फ्लिप फ्लॉप तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्लॉक पल्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ये नॉर गेट हो गया और ये एंड गेट, ये फिगर बनता है, ठीक। अभी सेम हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल डिजाइन करने वाले हैं, आप लोग फिगर नोट करते जाओ, अभी मेरे साथ आप नोट करो, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर नोट मत करना। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया, ठीक। सर क्लॉक पल्स आपने अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि सर ये फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, ठीक। अगर ये वर्क नहीं करेगा इसका मतलब है सर आप उसमें कुछ भी इनपुट दो, या इसको आप ऐसा लिख लो सर ये इनपुट क्लॉक के लिए जीरो है, आपने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया, ठीक। अब आपके पास तो फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं कर रहा है ना, अब फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि सर आप इनपुट्स कुछ भी दो क्या फर्क पड़ता है, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा सर, डोंट केयर और ये डोंट केयर, समझ में आ रही ना बात, आप इनपुट कुछ भी दो क्या फर्क पड़ता है, अब ये वर्क कैसे करेगा वो ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को, ठीक है। क्लॉक पल्स आपके पास कितना लिखा हुआ है सर, क्लॉक पल्स आपने अभी जीरो अप्लाई किया है, ठीक, जीरो अप्लाई किया है, ओके। तो ये जीरो यहाँ पे और ये दोनों जीरो यहाँ पे अप्लाई होगा सर, एंड गेट का एक इनपुट जीरो है, मतलब सर कंफर्म आउटपुट क्या होगा सर, जीरो हो जाएगा। अब नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो हो गया इसका मतलब सर आउटपुट वन भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, तो आप इसके प्रीवियस स्टेट को यूज करोगे, तो ये हो गया क्यू एन बार और यहाँ पे क्या आएगा क्यू एन, ठीक। तो अभी तो मैंने आपको बताया था सर जीरो और क्यू एन बार का नॉर फंक्शन क्या होता है, आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, एक्चुअल में आपको मिलेगा यहां पे सर क्यू एन और यहां पे क्या मिलेगा क्यू एन बार, समझ में आ रही बात, ये दोनों चीज आपको मिलेंगी। इसका मतलब है सर जब आप क्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये फ्लिप फ्लॉप कुछ वर्क नहीं कर रहा है और इसका आउटपुट क्या होगा क्यू एन और क्यू एन प्लस क्यू एन हाफ, मतलब सॉरी क्यू एन बार, तो ये हो गया अपने पास अभी होल्ड स्टेटमेंट, ठीक। जब मैंने यहां पे क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने पे ये फ्लिप फ्लॉप वर्किंग में आएगा, तब मैं इनपुट कॉम्बिनेशन यहां पे तैयार कर सकता हूं। तो देखो 00 01 10 11, ये मैंने क्लॉक पल्सेस अप्लाई किया, अब इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिया मैंने पूरे चारों कॉम्बिनेशंस को, ठीक। चलो फिर से देखते हैं सर, अभी आपने क्लॉक पल्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया, ध्यान से देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्लॉक पल्सेस आपने अप्लाई कर दिया, अब इसको आप वन पे फिक्स कर दो, ये वन हो गया, ये वन हो गया और ये वन हो गया, ठीक। लेकिन सर एक बात बताइए, ए और बी कितना है सर, जीरो है, मतलब एंड गेट का एक इनपुट जीरो है मतलब आउटपुट जीरो, एंड गेट का एक इनपुट जीरो मतलब आउटपुट जीरो, तो सर ये तो सेम सिचुएशन क्रिएट हो गया ना, फिर से आपको इसका प्रीवियस आउटपुट को यूज करना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा क्यू एन और क्यू एन बार, अगेन ये बन गया होल्ड स्टेट, बढ़िया हो गया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट सर, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन, ये जीरो और मैं यहाँ पे ले आया वन, ये सब हटा दो, अब पूरा हटा दो, ठीक, ये ओके। अब देखो यहाँ पे सर, ये जीरो और ये वन, ये जीरो, वन और वन जीरो, कोई भी नोट नहीं करना है ना, देखते रहो, जीरो और वन जीरो, वन वन सर वन, सर एक इनपुट अगर वन होता है तो आउटपुट आपको क्या मिलता है सर, आउटपुट आपको मिलता है जीरो, और यहां पे अगर ये जीरो है
तो ये जीरो ट्रांसफर होगा, ये जीरो और जीरो मिलके क्या बनेंगे सर, वन बनेंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखूं मैं सर, वन और जीरो, तो ये बन गया अपने पास सेट स्टेट। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आने वाला हूं, वन और जीरो। देखो वन और जीरो, ये वन और ये मेरे पास जीरो, क्लॉक पल्सेस तो अप्लाई हो रहे हैं अभी भी। सर ये दोनों वन है तो ये आउटपुट वन, ठीक, ये एक जीरो और एक वन, मतलब आउटपुट जीरो। सर ये वन के आने से यहाँ पे जीरो आएगा, अगर ये जीरो है तो जीरो यहाँ पे आएगा, जीरो जीरो मिलके क्या बनेंगे सर, वन बनेंगे। इसका मतलब मैं लिखूंगा सर जीरो और वन, और ये बन गया अपने पास सर रीसेट स्टेट। ठीक, अब लास्ट कॉम्बिनेशन पे हम लोग आने वाले हैं। लास्ट कॉम्बिनेशन ये मेरे पास हो गया वन। सर अगर ये वन है, ध्यान से देखना आप लोग क्या लिख रहा हूं मैं, ये दोनों वन वन, ये दोनों वन वन। सर वन और वन है तो कंफर्म है कि एक भी इनपुट के वन होने से आउटपुट आपको डेफिनेटली जीरो मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब यहां पे आएगा जीरो और ये जीरो, ठीक, इसके वन आने से आपको आउटपुट क्या मिलेगा सर, जीरो मिलेगा। ओके, तो बोल सकते हैं आप लोग कि यहां पे एक्चुअली में क्या हुआ सर, ये तो इनवैलिड स्टेट हो गया। कौन सा स्टेट सर, इनवैलिड स्टेट। क्यों सर, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एक साथ एक ही स्टेट पे नहीं हो सकते हैं, इनवैलिड स्टेट। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे क्लॉक पल्सेस को यूज किया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे डिजाइन किया, और वही चीज जो आपको लैच में हो रहा था वही चीज आपके पास फ्लिप फ्लॉप में भी हो रहा है, लेकिन बस फर्क ये है कि फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्स क्लॉक पल्सेस टू ऑपरेट टू फंक्शनिंग। ठीक, समझ में आ गया तो रिप्लाई कर देना। ये टॉपिक आप लोग का अपने कॉलेज में कैसा था बताओ, तो कैसे पढ़े थे आप लोग, ये टॉपिक आप लोग का अच्छा था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के लिए आप जब पढ़े थे, क्या बोलते हो? ठीक ठाक था तब, अच्छा मॉडरेट, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया होंगे। तो यहां पे आप देखोगे सर, आपको सेट स्टेट कब मिल रहा है, जब दोनों इनपुट पे ये वन है, तो ये आपके पास क्या बन गया सर, एस। और ये रीसेट कब बन रहा है, जब ये ए जो है वो वन है, इसका मतलब ये बन गया सर आर। तो फिगर में जाके आप लोग लिख लेना सर, बी जो है वो सेट इनपुट है और जो ए है वो रीसेट इनपुट है, मतलब आर एस फ्लिप फ्लॉप या सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप।
आप आरएस फ्लिप फ्लॉप बोलो या एसआर फ्लिप फ्लॉप बोलो, ये बात एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें कुछ भी। ठीक, ठीक। तो अभी हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग आरएस फ्लिप फ्लॉप और यहां पे लेजेस तैयार किए नॉर गेट से। अब देखते हैं आरएस नैंड लेज, आरएस नैंड लेज। चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग, आर एस नैंड लेज। ठीक है, सो यहां पे अगेन मैंने अब नॉर्थ जगह नॉर्थ गेट की जगह पे मैंने नैंड गेट यूज किया है और फिर से एक और यहाँ पे लेज तैयार किया है ना, आर एस नैंड लेज। ठीक है, तो आउटपुट जो है जो आप नैंड गेट के इनपुट से आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ट्रूथ टेबल का, तो ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो जीरो के कॉम्बिनेशन से। देखो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया दोनों जगह पे जीरो, तो आपको इसका फंक्शनिंग देखने के लिए तो नैंड गेट का ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। तो सर आपको तो पता ही है क्या सर, नैंड गेट में आपके पास क्या होता है, 1110। आप देख सकते हो, आप कहने का मतलब ये है कि जब भी अपने पास नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट अगर जीरो रहा गया, कोई भी एक इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा। और अगर दोनों वन हो गए तो आउटपुट विल बी जीरो, वो मैंने ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक, अब मैं दोनों जगह पे जीरो अप्लाई कर रहा हूं, तो आप मुझे खुद बताओ सर, अगर ये जीरो है और ये जीरो है, दोनों जीरो हो गए सर, जीरो के आने से आउटपुट वन बनता है, नैंड गेट का आउटपुट क्या बनता है, वन बनता है। इसका मतलब यहां पे आएगा वन और यहां पे भी आ जाएगा वन, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे सर यहाँ पे, सर ये हो जाएगा वन और ये वन, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सर दोनों ही आउटपुट एक बार में एक साथ एक ही स्टेट पे नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेट। समझ में क्या बात, ठीक, वन और वन इनवैलिड स्टेट हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करता हूं, जीरो और ये वन, सर ये जीरो के आने से एक भी अगर नैंड गेट का इनपुट जीरो हो जाता है तो आउटपुट होता है वन। ठीक सर, ये वन और ये वन, वन और वन कितना होगा सर, ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन जीरो, सर ये कौन सा स्टेट हो गया सर, सेट स्टेट। ठीक, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं, वन और ये जीरो, ये वन तो जीरो, सर जीरो के आने से कंफर्म है कि ये वन होगा। अब ये वन यहां पे जाएगा, वन और वन मिल गए, ये हो गए जीरो। ट्रूथ टेबल को देखते रहो, तो ये हो जाएगा जीरो वन, दैट इज कॉल्ड रीसेट स्टेट। ठीक, ये हो गया। अब सर अगर दोनों वन हो गए अपने पास, लास्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये लास्ट कॉम्बिनेशन, दोनों अगर वन हो गए तो यार एक बात बताओ सर, ध्यान से देखना सर, अगर दोनों वन होते हैं तो नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो होता है तो आउटपुट वन होता है, फिक्स है ये तो। लेकिन नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर वन है, ठीक, तो ये तीन कॉम्बिनेशन अपने पास आ सकती है,
वन है अपने पास तो, और मतलब कि सर वो जीरो भी हो सकता है वो वन भी हो सकता है ना, मतलब ये क्या हो गया, डाउटफुल केस हो गया। तो आप क्या करोगे, इसके प्रीवियस आउटपुट को यूज करोगे क्यू एन बार और यहाँ पे क्यू एन। ठीक, तो देखो वन और क्यू एन बार का, वन और क्यू एन बार का मैं यहाँ पे नैंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा क्यू एन बार बार मतलब क्यू एन। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए सर, क्यू एन, ये मैंने लिख दिया। ठीक, यहाँ पे क्या है सर, वन और क्यू एन का नैंड ऑपरेशन, तो ये हो गया अपने पास क्यू एन। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू एन बार, दैट मीन्स क्यू एन बार। अब सर ये बताओ कौन सा स्टेट हो गया ये, रिप्लाई फास्ट कमेंट करो, ये कौन सा स्टेट हुआ अपने पास, क्या बोलते हो कौन सा स्टेट है ये? एग्जैक्टली कौन सा स्टेट सर, होल्ड स्टेट, ये। ठीक, ये हुई ना बात, होल्ड स्टेट ये। तो आप देखोगे चारों स्टेट आपको मिल चुके हैं, है ना। इसमें नैंड गेट हम लोग यूज कर रहे हैं, आरएस लैच हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अब बारी आती है सर की, जो ए और बी लिखा हुआ है वो होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये सेट स्टेट कब हो रहा है, जब ये वन अपने पास, जब यहाँ पे सेट स्टेट, ध्यान से देखना सेट स्टेट ये कब हो रहा है अपने पास सर, जो बी है अपने पास वो क्या है, वन पे बना हुआ है। ठीक सर, ये रीसेट कब हो रहा है सर, जब ये वन है ठीक और ये जीरो है, कब हो रहा है सर, वन पे। इसका मतलब ये हो गया अपने पास अगेन ये R और ये S, सॉरी अपोजिट लिख दिया सर, ये S और ये R। ठीक, नोट कर लो इसको पूरा, समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग फ्लिप फ्लॉप देखने वाले हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नैंड गेट।
ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे अब क्लॉक पल्स की बात अगेन करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लॉक पल्स का एक और कॉलम बना दिया, ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए क्लॉक पल्स का यहाँ पे एक और कॉलम बन गया। तो मैंने क्लॉक पल्स अभी अप्लाई नहीं किया, 1111, तो ट्यून के एटम ए और बी की वैल्यू वॉट एवर सिचुएशन कुछ भी हो, फंक्शन तो होने नहीं वाला है, तो ये हो गया 00 01 10 और 11। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, है ना सर, जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया था तो मैंने इसको बोला कि क्लॉक पल्स जो है वो जीरो है, बराबर है ना, ये जीरो सर, ये जीरो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक, समझ में आ रही बात सर। क्लॉक पल्सेस आपके पास दोनों जीरो पे लगे हुए हैं, ध्यान रखना, क्या दोनों, ध्यान सुनना आप लोग बराबर से सर, क्लॉक पल्सेस आपके पास दोनों जीरो पे लगे हुए हैं, ओके। तो अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो होता है तो आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज सर वन होगा, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू तो अपने पास कुछ भी हो, इसका आउटपुट वन होने वाला है, यही तो लिखा मैंने, डोंट केयर टर्म कुछ भी हो सकता है, तो ये वन होगा। अगर ये दोनों वन है तो आप मुझे खुद बताओ सर, वन होने से क्या हो रहा था सर, दोनों के वन होने से आउटपुट जो है या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, कुछ भी, ये तीन कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसका प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस आउटपुट, ये आपको तो मैंने बताया है, यहाँ पे क्या आएगा अभी एक्सप्रेशन से सर क्यू एन, और यहाँ पे आएगा सर क्यू एन बार, इसका मतलब सर आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर, क्यू एन और क्यू एन बार, और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं होल्ड स्टेट, जो प्रीवियस आउटपुट था वही नेक्स्ट आउटपुट बनेगा, प्रीवियस स्टेट, ठीक, वही नेक्स्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड होल्ड स्टेट, और होल्ड स्टेट में तो उसको रहना ही था क्योंकि आपने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया है तो फ्लिप फ्लॉप कैसे ऑपरेट हो जाएगा, समझ में आ रही बात, तो फ्लिप फ्लॉप ने अप्लाई नहीं किया, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन ऑफ ए एंड बी, कुछ भी हो आउटपुट अपने स्टेट में ही बने रहेगा, ठीक। चलो अब आते हैं यहाँ पे, आपने जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो इसको मैं वन पे फिक्स कर दिया, आप देख सकते हो ये वन पे मेरे पास फिक्स हो गया, ठीक, वन पे फिक्स हो गया, अब इसको आप चेंज नहीं करेंगे चारों कॉम्बिनेशन के लिए, इसको सब मैं हटा देता हूं, ये देख लो ये हो गया जीरो और ये जीरो, सर जीरो और वन का नैंड ऑपरेशन क्या होता है, वन होता है सर, जीरो और वन का नैंड ऑपरेशन ये भी वन सर, वन और वन फिर से वही सिचुएशन आ गया ना, ठीक, बात समझ में आ रही है, कौन सा सिचुएशन है सर, वन और ये वन, अब आप आउटपुट क्या बोलोगे सर, वन के रहने से ये जीरो भी हो सकता है, ये वन भी हो सकता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे प्रीवियस स्टेट यूज करोगे, क्यू एन बार और क्यू एन, इसका मतलब यहाँ पे आपको अगेन मिलेगा क्यू एन और यहाँ पे क्यू एन बार, मतलब मैं लिखूंगा क्यू एन और क्यू एन बार, दैट इज कॉल्ड द होल्ड स्टेट, समझ में आई क्या बात, ठीक। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं, ये जीरो और ये अपने पास वन, ठीक, स्कोर सब हटाया था मैं, कोई नोट मत करना अभी, जीरो और वन का क्या होता है, देखो जीरो वन का सर वन, वन और अच्छा वन वन का क्या होगा बताओ, देखो वन वन का क्या होगा सर, जीरो होगा ना, ठीक, ये अगर जीरो है सर, अगर कोई भी जीरो होता है ना तो नैंड गेट का आउटपुट वन निकल के आता है, अब ये वन जाएगा इधर को, वन और वन बनेगा वहां पे सर ये जीरो, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर जीरो एंड वन, सर ये कौन सा स्टेट हुआ सर, ये गजब हो गया, अब ये बन गया रीसेट स्टेट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बन रही है, रीसेट स्टेट जीरो वन, ठीक। अब नेक्स्ट सर ये वन ये जीरो, इसको हटाओ, काम खत्म इसका, ये सब हटाओ, सब हटा दो ये पूरा, ठीक, वन और वन क्या बनेगा सर, वन नहीं, वन और वन जीरो होता ना भाई, नैंड गेट है वहां पे सर, वन और जीरो सर ये वन, सर अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट डेफिनेटली वन होगा, ये वन यहां को आएगा, वन और वन के मिलके क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे, ठीक, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना यहाँ पे, तो ये हो गया वन और ये जीरो, दैट मीन्स ये बन गया सर सेट स्टेट, बात समझ में आ गई पूरी, ठीक।
अब नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन को लेते हैं और लास्ट में अपन क्या देखने वाले हैं, सर अब बस लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 1, सर 1 और 1 0, सर 1 और 1, सर 0, ठीक। अगर ये 0 है, कोई भी एक स्टेट अगर 0 हो गया तो आउटपुट क्या बनेगा सर, जल्दी से बताओ सर, आउटपुट क्या बनेगा सर, 1 बनेगा सर, ये भी तो 1 बनेगा, गजब हो गया ना, इसका मतलब दोनों 1 पे लगे हुए हैं। और ये कौन सा स्टेट हुआ सर, इनवैलिड स्टेट, कौन सा स्टेट, इनवैलिड स्टेट। तो ये होता है कंप्लीट डिस्कशन फॉर आरएस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, इसको आप नोट कर लो। नोट करेंगे फिर कमेंट करना आप लोग। चलो बताओ, नोट कर लिए, ठीक ठीक है, आराम से नोट कर लो, वेट कर रहा हूं मैं। ये सब मत लिखना, 0101 ये सब नहीं, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए था आपको। हो गया, नोट कर लिए। ठीक, यहां तक नोट कर लिए ना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ये रीसेट कब हो रहा है, जब बी जब जब मेरे पास b की वैल्यू 1 है। सर ये सेट कब हो रहा है,
जब ए की वैल्यू 1 है, मतलब ये अपने पास अब बनेगा एस और ये बनेगा आर। समझ में आई बात? तो आप यहां पे क्या लिखोगे सर? यहां पे ए की जगह पे आप लिखने वाले हो एस और बी की जगह पे आप लिखने वाले हो सर आर। ठीक, ओके, इसको आप नोट कर लेना। अब मैं यहां पे जो हम लोगों ने पढ़ा है पूरा, इसको मैं मर्ज करने वाला हूं कि एक्चुअल में आरएस फ्लिप फ्लॉप में हो क्या रहा है ना, पूरा मर्ज करने वाला दोनों को। ठीक, तो सब कुछ अब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, आप सबसे पहले पेज पलटो और पेज पलटने के बाद आप ये देखो, जब हम लोगों ने आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाया था तो उसके मतलब नॉर गेट से मैंने जब आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाया था तो उसमें ए क्या था बताओ, जल्दी रिप्लाई करो सर, ए क्या था उसमें, चेक करो ए क्या था उसमें, आर था है ना, और बी क्या था अपने पास, एस था। ठीक, लेकिन नैंड गेट से जब हम लोग देख रहे हैं तो ए जो है अब एस बन गया है और बी जो है वो आर बन गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपको याद नहीं करना है कि सर बी जो होता है वो हमेशा एस होता है, ए हमेशा आर होता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था जब नैंड गेट देख रहे हैं तो ये हो जाएगा एस आर फ्लिप फ्लॉप, और नॉर गेट देख रहे हैं तो ये आर एस फ्लिप फ्लॉप, ये देखो। ठीक, ये फर्क होता है। अब यहां पे जो एक्चुअली फंक्शनिंग हो रही है, आप मुझे एक बात बताओ, चार ट्रूथ टेबल हम लोगों ने अभी तक बनाए हैं, ठीक, और ये चारों ट्रूथ टेबल में आपके साथ क्या हो रहा था, आप खुद बताओ कितने टाइप के स्टेट्स आ रहे थे आपके पास, बताओ कितने टाइप के स्टेट्स थे, कितने टाइप के स्टेट्स थे अपने पास, रिप्लाई करो सब, रिप्लाई करो सब, सब रिप्लाई करो, कितने स्टेट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपको यहां पे कितने स्टेट दिख रहे हैं सर, चार स्टेट दिख रहे हैं, कौन कौन से, सेट स्टेट, रीसेट स्टेट, होल्ड स्टेट और इनवैलिड स्टेट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे चार टाइप के स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें कि इनवैलिड स्टेट जो है वो यूज नहीं होता है। इनवैलिड तो कैसे यूज कर लेंगे उसको, क्योंकि दोनों जगह पे या तो आपको वन वन मिल रहे हैं या दोनों जगह पे आपको जीरो मिल रहे हैं। ठीक, अब सर बारी आती है जी, जब आप यहाँ पे देख रहे हो आरएस फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट से नॉर गेट से, तो आपके पास आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाने के दो ऑप्शन है, आप चाहो तो नैंड गेट यूज करके बना सकते हो या नॉर गेट यूज करके बना सकते हो, ये आपके पास, ये आपका तरीका है कि आप कैसे आप बनाओगे। ठीक, लेकिन मैं आप अगर बोलूंगा तो आपको दोनों फिगर याद होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो में बना दिया ना फटाफट, तो ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए। ओके, अब आती बारी सर कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मतलब आरएस फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले। अब लैच को आप भूल जाओ, है ना, लैच को आप भूल जाओ, लैच का फिगर याद हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आओ, आप सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप को देखो, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को आप अपने कॉपी के सामने रखो और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसका जो आपने टेबल बनाया था नॉर गेट और नैंड गेट का, वो टेबल आपके सामने होना चाहिए और यहां पे मैं ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाने वाला हूं।
ठीक ओके चलो अब आप ध्यान से देखना क्या होने वाला है। सर टेबल सबके सामने होना चाहिए है ना, दोनों का टेबल आपके सामने होना चाहिए, आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे सो मैंने दो इनपुट यूज किया हुआ है ए और बी और क्यू एन, क्यू एन लिखा हुआ है अपने पास। ये क्यू एन जो है वो प्रीवियस स्टेट को शो कर रहा है। अब सर आप प्रीवियस स्टेट की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि आउटपुट जो होगा वो अपने प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंडेंट होगा, इसलिए मैंने इसको पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार किया हुआ है। ए और बी के फ्लिप फ्लॉप्स के टेबल देखना आप लोग, नैंड गेट नॉर गेट का, ए और बी का दोनों आप अगर जीरो जीरो को देखोगे तो वो कौन सा स्टेट पे शो कर रहा था बताओ, जीरो जीरो कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा स्टेट है आप लोग ही बताओगे, कौन सा स्टेट, होल्ड स्टेट, इनवैलिड स्टेट, सेट स्टेट, रीसेट स्टेट, कौन सा? फ्लिप फ्लॉप के टेबल्स को देखो आप लोग, कौन सा स्टेट है अपने पास? सर होल्ड स्टेट, सबको दिख गया ना? ठीक, कौन सा स्टेट हुआ ये? होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट का मतलब क्या होता है सर? ये मैंने लिख दिया होल्ड स्टेट। तो होल्ड स्टेट का मतलब होता है कि जो भी प्रीवियस आउटपुट है वही नेक्स्ट आउटपुट बनेगा या वही होल्ड पे रहेगा। कौन है प्रीवियस आउटपुट? जीरो, ये भी जीरो। मस्त हो गया ना, समझ में आई बात पूरी? सर अगेन ए और बी का कॉम्बिनेशन जीरो जीरो है, कौन सा स्टेट आप लोग ही ने बताया है? होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट मतलब जो प्रीवियस आउटपुट है वही नेक्स्ट बनेगा, ये वन। बराबर, मस्त हो गया ना, ये होल्ड स्टेट की बात हो गई। अब मुझे बताओ सर जीरो वन के लिए, जीरो वन के लिए हम लोग आप देखोगे जीरो वन के लिए तो ये बनेगा अपने पास सर ये जीरो, That is called reset state. ठीक है ना, देखो लिखा हुआ है यहां पे, बहुत बढ़िया। जीरो वन के लिए सर ये भी reset state. सर ये अगर reset है तो सर आउटपुट तो जीरो ही होने वाला है ना, whatever the situation of previous state either जीरो or वन, reset मतलब the final output, the next output will be जीरो। समझ में आ गई बात? सर वन जीरो के लिए क्या हो रहा है? सर वन जीरो के लिए सेट स्टेट और ये भी सेट स्टेट, मतलब वन और ये वन। समझ में आ गई बात? सर वन और वन के लिए चेक करो, वन और वन के लिए क्या हो रहा था, वन और वन के लिए क्या हो रहा है, चेक करो जल्दी चेक करो, वन और वन के लिए क्या हो रहा है? ऑफकोर्स इनवैलिड है ना, इसका मतलब सर इनवैलिड को आप किससे शो करते हो? कि सर ये डोंट केयर आप कुछ भी शो कर दिए सर, सर आप डोंट केयर क्यों शो किए बताओ पहले? चलो मैं डोंट केयर हटा देता हूं, चलो हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, आप लोग ही मुझे बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर जब ए और बी वन वन आया था तो नॉर गेट में इनवैलिड, जब इनवैलिड स्टेट आ रहा था तो वो जीरो जीरो था कि वन वन था बताओ? नॉर गेट से जब अपन ट्रूथ टेबल देखे थे तो इनवैलिड स्टेट के टाइम पे जो क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन बार था वो जीरो जीरो था कि वन वन था? क्या था सर? सर ये तो वन वन था, ठीक है ना, आप ही लोग बताओगे अभी। अब बताओ नैंड गेट में क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन बार ये क्या था, ये क्या था? जीरो जीरो, ये दिख रहा है सबको? क्या था अपने पास वो? ठीक, ये आपको दिखेगा सर जीरो जीरो। अभी आप यहां पे दोनों को मर्ज कर रहे हो तो दोनों को मर्ज करने के बाद जीरो वन जीरो वन सर दोनों हो सकता है, इसका मतलब मैंने यहां पे यूज किया है डोंट केयर एंड दिस इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेट। ये ठीक, ये अपने को मिलता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ये आपको याद रहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब बारी आती है सर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करने की,
इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वो एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, ठीक, इसको लिख लो आप लोग। अब सर अपने को फॉर्म करना है नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, मतलब सर नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? सर ये प्रीवियस स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट, मतलब क्यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? मैंने यहां पे यूज किया के मैप, ठीक। क्या यूज किया मैंने? के मैप। के मैप में जो वेरिएबल्स है अपने पास कौन कौन है? ये ए क्या बन गया अपने पास? सर ये एस बन गया, ये आर बन गया, है ना। आप इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हो, ये एस और ये आर। तो ये एस और ये आर क्यू एन, एस बार एस, फिर आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन और आर क्यू एन बार, 0 1 3 2 4 5 7 6। चलो इसको फिल करते हैं। 0, यहां पे मैं एसओपी फॉर्म यूज कर रहा हूं ना, ध्यान रखना एसओपी फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, ठीक। 1, ये 1 यहां पे, फिर 2 3 4, 4 पे 1, 5 पे 1 और बाकी जगह पे डोंट केयर, ठीक। ये हो गया। तो क्यू एन प्लस वन, ये क्यू एन प्लस वन क्या होगा? यहां से देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, क्यू एन प्लस वन। सबसे पहले पूरा एक यहाँ पे क्वाड बनेगा, मतलब एस, फिर यहाँ पे एक पेयर बनेगा, मतलब सर लिखूंगा आर बार क्यू एन। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, एस प्लस आर बार क्यू एन। ये आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक। अब बारी आती है एक्साइटेशन टेबल बनाने का। अब बारी आती है एक्साइटेशन टेबल। सर ये कैसे बनता है? देखो क्यू एन, क्यू एन प्लस वन आर एस और आर, ठीक। ये तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं यहां पे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैसे? ध्यान से देखना। अभी आपको क्या शो करने वाला हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में 0 और 0, ये दोनों आपको कहां कहां पे मिल रहे हैं मैं आपको शो कर देता हूं। 0 0 यहां पे मिल रहे हैं, फिर यहां पे आपको 0 0 मिल रहे हैं, ये दोनों, ठीक। अब इसके करस्पॉन्डिंगली एस आर को देखो आप, एस जो है वो 0 पे फिक्स है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया 0, लेकिन आर जो है वो 0 भी है और 1 भी है, तो 0 और 1 दोनों है। इसका मतलब मैं क्या यूज करता हूं? सर डोंट केयर। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट आप देखो 0 1, सर 0 1 कहां पे है? सर ये 0 1 यहां पे है, और सर 0 1 और कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना, ये 0 1 आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो 0 1 के लिए आप क्या लिखोगे? सर 1 और ये 0, एस आर की वैल्यू, ये 1 और ये 0, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन कौन सा है। सर कॉम्बिनेशन अपने पास है 1 0, 1 0 को देखो कहां पे लिखा है, ये 1 0 अपने पास ये लिखा है, तो उसके लिए क्या लिखा है अपने पास? सर 0 और 1, ये 0 और ये 1, ठीक। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अपने पास है कॉम्बिनेशन 1 और 1। अब आप खुद बताओ सर 1 और 1 कहां पे है? सर 1 यहां पे, और कहीं पे है क्या? सर देखो यहां पे भी है 1 1, ये और ये, इसे करस्पॉन्डिंग एस 0 और आर 0, इसके करस्पॉन्डिंग एस 1 और आर 0। इसका मतलब सर आर जो है वो 0 पे फिक्स है, इसको आप 0 पे फिक्स कर दिए, एस की वैल्यू 0 भी है 1 भी है, मतलब सर डोंट केयर। ये पूरा कंप्लीट जितना बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, ये हर एक चीज आपको याद रहना चाहिए आरएस फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब मैं यहां पे नाम दे दिया हूं इसका कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड, या आप लिखो आर एस फ्लिप फ्लॉप या एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये
कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किसके लिए बनाया है? ये दोनों को मैंने मर्ज करके बनाया है, चाहे NAND यूज करो चाहे NOR यूज करो, यही कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉलो होगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे, और ये एक्साइटेशन टेबल फॉर व्हाट? फॉर SR फ्लिप फ्लॉप, है ना। इसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा एक्साइटेशन टेबल में, किस टाइप का? देखो 010X X010 010X, इसको आप अपोजिट लिख दो, अपोजिट लिखोगे तो क्या होगा X010, बस। ठीक, समझ में आ गया? जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है ये कंप्लीट डिस्कशन है SR फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, अभी एक फ्लिप फ्लॉप एंड हुआ है, इतना आपको पता ही होना चाहिए SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं पता है तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप ये मत सोचना कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्साइटेशन टेबल याद कर लेते हैं, वो छोटा दिख रहा है। अरे कुछ भी नहीं यार, आपको तो पता ही है ना, आप स्टेट याद रखो सर SR फ्लिप फ्लॉप। सर S और R का मतलब क्या होता है? सेट स्टेट, रीसेट स्टेट। यार यही दो चीजों की तो बात हो रही है पूरे फ्लिप फ्लॉप में, एक्चुअली में चार स्टेट की बात हो रही है जिसमें से तीन वैलिड हैं। कौन कौन से? होल्ड स्टेट, रीसेट स्टेट और सेट स्टेट, बस। और इनवैलिड तो ये तो यूज होने नहीं वाला है। ठीक, तो ट्रूथ टेबल अगर आपने ये 8 कॉम्बिनेशन लिख लिया तो ये तो ऑटोमेटिक आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। आपको पता है ये S है ये R है, जब S मेरे पास 1 हो रहा था तो ये देखो सेट हो गया, जब R मेरे पास 1 है तो देखो ये रीसेट हो गया, बस, है ना। S और R जब दोनों 0-0 पे लगे हुए हैं तो ये होल्ड स्टेट पे बने रहेगा। होल्ड स्टेट मतलब ये अपने प्रीवियस स्टेट को ही फॉलो करेगा। यस ऑफ कोर्स, ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे आप NAND यूज करो चाहे NOR यूज करो, दोनों के लिए वैलिड है ये, इसलिए मैंने दोनों को साथ में बनाया है। मैं जब भी आगे फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, मैं उसमें NAND गेट यूज करके ही बताऊंगा, NOR गेट यूज करके ही बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल सेम रहेगा, एक्साइटेशन टेबल सेम रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी सेम रहेगा ये, या उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। ये नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे क्यू एन प्लस वन, इसी की तो बात हो रही है ना। नेक्स्ट स्टेट मतलब क्या? नेक्स्ट आउटपुट। बट सर NOR और NAND फ्लिप फ्लॉप की टेबल्स तो अलग थी। यस बिल्कुल, उसको मैंने मर्ज किया है। एक तरफ आप क्या बोल रहे थे सर, जो A था NAND गेट में, जो A था वो S था और NOR गेट में वो R था, पूरा टोटली मैंने मर्ज किया है, बिल्कुल टेबल अलग है ना। आप देखोगे ये X क्यों बन गया, क्योंकि मैं दोनों को जब मर्ज कर रहा हूं, ये दोनों को जब मर्ज कर रहा हूं तो उस केस में क्या हुआ था कि NAND गेट में ये 0-0 था invalid state और ये 1-1 था, तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, that's why मैंने यहाँ पे लिखा है X और X दोनों के एटम। इसलिए मैंने पूरा सेपरेटली जो है एक्सप्लेन किया SR NAND से NOR से, उसके बाद में दोनों को मर्ज किया और दोनों की प्रॉपर्टी वैसे ही है जैसे दोनों में थी। ठीक, समझ में आ गया। आगे का डिस्कशन हम लोग, तीन फ्लिप फ्लॉप और बचे हुए हैं, कल ही तीन फ्लिप फ्लॉप एंड होंगे और यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन भी करने अपने को, कि कैसे हम लोग एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो अपना कल का मेन एजेंडा होने वाला है फ्लिप फ्लॉप तीनों स्टडी करनी है, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, और उसके बाद फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सो मिलते हैं हम लोग। ये आप नोट कर लिए, ये नोट कर लिए आप लोग। ठीक है, तो सभी नोट कर लिए होंगे इसको।
यस अभय अग्रवाल सर, इसमें नैंड के, यस, नैंड गेट में, यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है और यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, नॉर गेट की कंडीशन में, है ना। इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस नहीं किया हूं, उसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि सर यहाँ पे आपने एंड गेट यूज किया और यहाँ पे आपने नैंड यूज कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर पढ़ना है तो एक्चुअली में यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, उसमें कोई उसे कोई यूज नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उसका एक कॉन्सेप्ट जो है आप आनंद कुमार की बुक में देख सकते हो, आनंद कुमार की बुक आप जानते होंगे, ठीक है, उस बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कभी। ओके, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।